गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ की हिस्ट्री में हम लोग जो आज चर्चा करने वाले हैं वह क्रांतिकारियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने रूढ़िवादी के बारे में देखा कि किस तरीके से वियना कॉन्फ्रेंस के बाद, वियना कॉन्फ्रेंस जब 1815 ईस्वी में हुआ वाटरलू के बाद, नेपोलियन के हारने के बाद वाटरलू युद्ध 1815 में हुआ था, और इस युद्ध में जो आपके नेपोलियन थे वे हार गए थे, और नेपोलियन के हारने के बाद जो कंडीशन प्रारंभ हुई उसी कंडीशन को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। नेपोलियन के हारने के बाद बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं, रूढ़िवादी ताकतें मजबूत हुई थीं, और 1815 में ही वियना कॉन्फ्रेंस हुआ था, वियना समझौता हुआ था। वहाँ पर नेपोलियन के द्वारा जीते गए जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को पुनः स्वतंत्र कराकर अनेक राजतंत्र की स्थापना कर दिया गया था वहाँ पर, और छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट करके और राजा को वहाँ पर स्थापित कर दिया था, जिससे कि फ्रांस अपनी भूमि का विस्तार न कर सके। तो रूढ़िवादी ताकतें राजतंत्र में विश्वास करती थीं, वे समाज में परिवर्तन नहीं चाहती थीं, परिवर्तन अगर चाहती भी थी तो बहुत थोड़े धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए समाज में। अचानक इस तरीके से परिवर्तन की वे घोर निंदा किया करते थे। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो क्रांतिकारी लोग होते हैं वे क्रांतिकारी लोग इस भावना से समर्थन नहीं करते, इस भावना को नहीं मानते। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया था 1815 के बाद के वर्षों में, लेकिन बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचार का प्रचार प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बनाए गए थे, बहुत सारे गुप्त संगठन बनाए गए, और यूरोप में गुप्त संगठन प्रचलन में आया, और उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब यह था कि जो राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोध करने से था, क्रांतिकारी का मतलब होता था कि राजतंत्र का विरोध करना। यूरोप में जब दमन हो गया 1815 के बाद उदारवादी राष्ट्रवादियों का, तो यूरोप के ही बहुत सारे ऐसे राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचार का प्रचार करने के लिए गुप्त संगठन चलाए गए, और उनका मतलब था कि राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी, साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना, संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था कि वे राजतंत्र जो था उस व्यवस्था का विरोध करके राष्ट्र राज्य की स्थापना कर सकें। ज़्यादातर क्रांतिकारी जो थे वहाँ पर राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य अंग माना करते थे, अनिवार्य हिस्सा माना करते थे। उसी समय क्या होता है कि एक व्यक्ति था इटली का जिसका नाम था जुसेप्पे मेज़नी, क्या नाम था उसका, जुसेप्पे मेज़नी उसका नाम था। उसने बड़े स्तर पर पूरे यूरोप में अपनी क्रांतिकारी विचारों को फैलाने का काम किया। उसका जन्म जो था 1807 में जिनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जुसेप्पे मेज़नी का जन्म जो है सो जिनेवा में 1807 ईस्वी में हुआ था, 1807 में हुआ था, और वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। किसका? कार्बोनरी जो संगठन था, गुप्त संगठन, उसका सदस्य बन गया। 24 साल के ही युवावस्था में जो जुसेप्पे मेज़नी था, लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया, और इसके बाद वह दो और भूमिगत संगठनों का स्थापना किया था। अनेक संगठन इसने बनाया, दो महत्वपूर्ण संगठन इसके थे। पहला तो मर्सेई में बनाया यंग इटली, कहाँ पे बनाया? मर्सेई में यंग इटली बनाया,
और दूसरा बर्न में यंग यूरोप बनाया उसने। याद रखिएगा कि जुसेपे मेज़नी ने यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना कहाँ किया था, तो मार्सेई में किया था। और दूसरा यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन की स्थापना उसने कहाँ किया था, तो उसने जो है बर्न में किया था, और जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले युवा वर्ग जो था वे ये दोनों संगठनों के सदस्य थे। जुसेपे मेज़नी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, राष्ट्र ही प्रकृति ने मनुष्यों को दिया है। लेकिन बाद में जो यह निरंकुश राजतंत्र चला रहा है यह प्राकृतिक नहीं है, यह लोगों के हितों का हनन करता है, लोगों को सताने का काम करता है, लोगों पर मनमाना टैक्स इम्पोज करता है। और इसी के बाद इटली के छोटे राज्यों और प्रदेशों में पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था, इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों में नहीं रह सकता था, क्योंकि इटली में अनेक छोटे छोटे राज्य बना दिए गए थे जहाँ पे राजा शासन किया करते थे लोगों पर, और व्यापक स्तर पर उन्होंने एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था उसको, क्योंकि जुसेपे मेज़नी बड़े स्तर पर ये अपने दिमाग में बैठा चुका था। जो भी उदारवादी राष्ट्रवादी युवा थे विभिन्न पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के, जर्मन के, जो समान विचार रखते थे जुसेपे मेज़नी की तरह, उन लोगों ने राष्ट्रों को जोड़ने के लिए, राष्ट्रों का निर्माण करने के लिए गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना उन्होंने सही समझा, और इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था यह एकीकरण, और हुआ भी। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्विट्ज़रलैंड हो, पोलैंड हो, इन सभी जगहों पर गुप्त संगठन बना दिए गए, कायम कर दिए गए। और यह जुसेपे मेज़नी राजतंत्र का घोर विरोध करके, रूढ़िवादियों को हरा करके प्रजातांत्रिक गणतंत्र को स्थापित करना चाहता था। वहाँ पे मैं मेटरनिख ने उसे कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। किसने बताया था और किसे बताया था, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसने कहा है, तो मेटरनिख ने कहा है। किसके बारे में कहा है, तो जुसेपे मेज़नी के बारे में कहा है, मेटरनिख ने कहा था। और इस तरीके से वहाँ पर देखा गया कि यूरोप में बड़े स्तर पर क्रांतिकारियों ने अपनी ताकतें बढ़ाने का काम किया, जितने भी राष्ट्र राज्य निर्माण में आप योगदान देखते हैं, उन योगदानों में, उन प्रयासों में जुसेपे मेज़नी का, उसके संगठन का, उस समय के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकतों को मजबूत बनाने की कोशिश की, वैसे वैसे यूरोप में उदारवादी और राष्ट्रवादियों ने अपनी क्रांति से जोड़ कर देखा जाने लगा कि हमारे क्रांतिकारी, हमारे क्रांतियों को दबाने के लिए ही रूढ़िवादी ये कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम भी अब चुप नहीं बैठेंगे, हम भी अपने गुप्त संगठन को मजबूत करेंगे। और इसीलिए इटली और जर्मनी के राज्य जो थे, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे जो शासक थे, और आयरलैंड और पोलैंड के ही कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया। जो शिक्षित मध्यम वर्गीय लोग थे वे इसमें शामिल थे, इसमें प्रोफेसर्स भी थे, स्कूली अध्यापक भी थे, क्लर्क भी थे, वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यम वर्गों के लोग भी शामिल थे, मतलब जो ट्रेड किया, जो बिजनेस करने वाले जो लोग थे, मिडिल क्लास के लोग, वे लोग भी शामिल थे, प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, क्लर्क वगैरह, जितने भी पढ़े लिखे जो वर्ग थे वे सारे लोग इस उदारवादी राष्ट्रवादियों का समर्थन किया करते थे, और उनसे साथ मिलकर के एक राष्ट्र राज्य बनाने की कल्पना
को वास्तविक धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे थे, रूढ़िवादी विचारों का विरोध करते जा रहे थे। और इस तरीके से प्रथम विद्रोह जो प्रारंभ होता है राष्ट्रवादियों के द्वारा, वह फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था प्रथम विद्रोह जो प्रारंभ हुआ क्रांतिकारियों के द्वारा, उदारवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा? वह प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी में प्रारंभ होता है। और जो बुर्बो राजवंश था वहाँ का, बुर्बो राजवंश के जो राजा थे, जिन्होंने 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान जो सत्ता स्थापित किए थे, रूढ़िवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए विभिन्न सत्ता का स्थापना किए थे, राजतंत्र की स्थापना किए थे, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका, उसकी तहस नहस कर दिया। उनके जगह पर उन्होंने एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिख ने एक बार एक टिप्पणी कहा था, मेटरनिख ने जिस तरीके से जुसेप्पे मेज़नी को कहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का यह सबसे खतरनाक दुश्मन है, उसी तरह से मेटरनिख ने फिर यहाँ पर मेटरनिख कहता है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुखाम हो जाता है। मतलब ये जो क्रांतियाँ की प्रारंभ फ्रांस में होते हैं और फ्रांस में होने के बाद यह पूरे विश्व में फैल जाया करते हैं और विश्व के लोग भी इसका समर्थन करने लगते हैं। जैसे कोई भी सामाजिक बुराई का को विरोध करने की बात हो, वह फ्रांस से प्रारंभ होता है और पूरे यूरोप में फैल जाता है। इसलिए मेटरनिख ने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुखाम हो जाता है। तो जुलाई से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया था, और जिससे फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। यूनाइटेड किंगडम जो था, ब्रिटेन जो था, वहाँ पर भी राजतंत्र था, और द नीदरलैंड्स ब्रिटेन के अंडर था, लेकिन द नीदरलैंड्स अलग हो गया क्योंकि उदारवादी राष्ट्रवादियों ने बड़े स्तर पर विरोध किया और अलग करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया इसने। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था, और वह थी यूनान की स्वतंत्रता संग्राम। यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम चला था, स्वतंत्रता लाना 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, और यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में प्रारंभ हो गया था। और जिस तरीके से ऑटोमन साम्राज्य जो था वह कब्जा किया हुआ था, और उसके बाद यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिम यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखा करते थे, जो राजतंत्र को हटा करके राष्ट्र राज्य को स्थापित करने की बात किया करते थे। इसमें चाहे कवि हों चाहे कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा किया, और उसने एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया और जनमत जुटाया। और उसी समय अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन ने धन इकट्ठा किया था और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, और 1824 ईस्वी में बुखार से उनका निधन हो गया था। और अंततोगत्वा क्या हुआ, 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान की एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। आप याद करेंगे साथियों यहाँ पर कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी, तो 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि हुआ था। और इस तरीके से यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है, जो मुस्लिम वर्चस्व से ऑटोमन साम्राज्य में मुस्लिम वर्चस्व से जो यूनान था उसे आज़ाद करा लिया जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। इस तरीके से राष्ट्र राज्य बनने की प्रक्रिया जो था वह 1830 के बाद से 1830 के पहले से ही जो है सो अनेक देशों को स्वतंत्र करा लिया गया और उसे राष्ट्र राज्य घोषित कर दिया गया, और वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। और संवैधानिक राजतंत्र में क्या होता है कि वहाँ पर जो राजा होते थे, राजा को शक्तियाँ तो दी जाती हैं लेकिन नाम मात्र की शक्तियाँ दी जाती हैं, वास्तविक शक्तियाँ जो होता है वह जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथों में ही दिया जाता है। अब एक और विचार यूरोप में वहाँ पर फैलता है जिसका नाम है रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रूमानी जो कल्पना था और राष्ट्र की भावना थी,
21 तरीके के था। आइए हम सब रूमानी कल्पना का स्टडी करते हैं। तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट में कि रूमानी कल्पना क्या था। तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्रवाद का जो विकास था, राष्ट्रवाद का जो विचार था, राष्ट्रवाद के विचार के निर्माण में वहाँ की संस्कृति ने भी एक अहम भूमिका निभाई थी। क्योंकि चाहे वो कला हो, चाहे वो काव्य हो, चाहे कहानियों हो, किस्सों हो, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। क्योंकि ये संगीत जो कहानी किस्से होते हैं, काव्य कला होता है, इससे राष्ट्रवादियों की जो भावना होती है और मजबूत हो जाती है। वे गीतों को गाकर संगीतों में उसे लयबद्ध करके जब लोगों के बीच में गाया करते थे, लोगों को किस्से और कहानियां सुनाया करते थे राष्ट्रवादी, जिससे कि उन जो समाज में लोगों की सोच में जो बुराइयां बैठी हुई थीं वह दूर हो करके एक राष्ट्र के प्रति उनकी भावना जग जाए और वे अपने एक राष्ट्र को देखें और राजतंत्र से हट करके राष्ट्रवाद को देखें। और राष्ट्रवाद ही एक प्राकृतिक शासन है, इसीलिए लोगों ने अपने विचारों में एक परिवर्तन लाया और परिवर्तन ला करके सांस्कृतिक आंदोलन वहां पर प्रारंभ किया गया। क्योंकि रूमानीवाद जो है, रूमानी कल्पना जो है, रूमानीवाद उसे कहा गया, रूमानी कल्पना को रूमानीवाद कहा जाता है। और यह रूमानीवाद ही सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था लोगों के बीच में, संस्कृति के माध्यम से, कवियों और कलाकारों के माध्यम से करना चाहता था। रूमानी कलाकार जितने भी थे, कवियों ने यह तर्क वितर्क देने का प्रारंभ किया वहाँ पर। उन्होंने कहा, यूरोप में जितने भी कवि थे, जितने भी सांस्कृतिक समर्थक थे, उन्होंने विज्ञान की जो विज्ञान थोपा जाता था, जो विज्ञान के नाम पर किया जाता था कि नहीं यह विज्ञान है, विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की गई उस समय। और उनकी भावना, उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि, रहस्यमय भावनाओं पर जोड़ दिया गया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए, और यही प्रयास हुआ भी। इसमें सफलता भी मिली उदारवादी क्रांतिकारियों को, राष्ट्रवादियों को, और जर्मन दार्शनिक उस समय जो योहान गॉटफ्रिड जैसे रूमानी चिंतकों ने संचित जर्मन संस्कृति उनके आम लोगों में निहित थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य, लोक नृत्यों से प्रकट होती है। इसीलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र किया जाए और एकत्र करके अंकित करना कि राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। और यह चाहे वो बोली हो, चाहे वह स्थानीय लोक साहित्य हो, इन सब को एकत्रित किया जाए। एकत्रित करने का उद्देश्य केवल यही था कि प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। क्योंकि वापस लाना केवल प्रयास नहीं था, वापस लाने पर हो सकता था कि फिर से दोबारा वहाँ पर प्रारंभ हो जाए जब तक लोगों के विचारों में परिवर्तन न लाया जाए। क्योंकि दम पे बल पर यदि आप कोई सत्ता स्थापित कर लेते हैं, कोई विचार को वहाँ पर लागू कर देते हैं दम शक्ति के बल पर, वह ऐसी शक्ति, ऐसे शासन लंबे समय तक टिक नहीं पाता। लेकिन जब लोगों के जो विचार होते हैं, मैक्सिमम लोगों के जब विचार परिवर्तन आते हैं, तो उस परिवर्तन के द्वारा, वैचारिक परिवर्तन के द्वारा स्थापित जो सत्ता होती है वह लंबे समय तक टिकती है और वही सच्ची सत्ता मानी जाती है। तो खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसके 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था पोलैंड का। और पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई वहाँ पर। और इसके बाद वहाँ का गुणगान किया गया, मसलन जो चाहे वो कैरोल कुरपिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने आपेरा और संगीत से गुणगान किया, पोलेनिस और माजुरका जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया उसने। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा हर जगह जबरन जो लादा गया था, वहाँ पर 1831 ईस्वी में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया रूस के द्वारा। लेकिन लोग, राष्ट्रवादी, उदारवादी जो क्रांतिकारी थे, वे इससे हारे नहीं। उन्होंने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया
और चर्च के आयोजनों, संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिस का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ वहाँ पर कि बड़ी संख्या में जो पादरी थे, जो बिशप थे, उनको जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। मतलब रूस ने भरसक प्रयास किया अपनी रूसी भाषा को बचाने के लिए वहाँ पर, लेकिन वहाँ की जो पोलिश भाषा थी उनका समर्थन करने वाले, उसको लागू करने वाले को दंडित किया गया रूस के द्वारा। और रूसी भाषा का प्रचार करने से जो लोग इनकार कर दिए, पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। और पोलिश भाषा बाद में बड़े स्तर पर वहाँ पर उभर करके सामने आया था। तो साथियों, ये आपने दो टॉपिक को बहुत बड़े अच्छे तरीके से देखा कि क्रांतिकारी किस तरीके से अपने दम पर राष्ट्र राज्य को स्थापित करने के लिए आगे निकलते हैं, किस तरीके से जिस पे मेजनी ने जब संगठन की स्थापना करता है, गुप्त संगठन की स्थापना करता है, तो पूरे यूरोप में भी वहाँ पर क्या होता है कि पूरे यूरोप में राष्ट्र राज्य की स्थापना करने के जो विचार बहुत ही लोकप्रिय होते हैं, क्योंकि जो भी युवा वर्ग था वो राष्ट्र राज्य की स्थापना ही चाहता था। फ्रांस में जब 1830 ईस्वी में बड़े स्तर पर बातें उठ करके सामने आईं और वहाँ भी राष्ट्र राज्य स्थापित करने के लिए युवाओं का दल जो है बड़े स्तर पर आगे निकला, और पोलैंड को जिस तरीके से आज़ाद कराने की प्रयास किया गया, रूस ने कब्जा किया हुआ था, लेकिन रूसी कब्जे से रूस ने पोलैंड पर लंबे समय तक कब्जा करके नहीं रखने पाया। यह राष्ट्रवादियों की सफलता का एक नींव माना जा सकता है। साथियों, तो आप यहाँ तक चीज़ों को पढ़े, दो तीन टॉपिकों को आपने देखा, तो अब आगे की चर्चा जो है सो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो भी मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताया हूँ कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसे ज़रूर नोट कर लेंगे आप सब लोग, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे रूमानी कल्पना हो गया, रूमानी कल्पना से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं कि रूमानी वाद का क्या तात्पर्य होता है। अगले क्लास में हम लोग भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह की चर्चा करेंगे, और इन सब की चर्चा करते हुए आपको पढ़ाने का काम करेंगे। आप सब लोग मेहनत से इसी तरह से पढ़ते रहें, लगन से पढ़ते रहें साथियों। तो मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।